केंद्र सरकार ने पहली बार इस कोरोना संकट के समय में सबसे पहले ऑक्सीजन अपने कब्जे में ले ली, ऑक्सीजन मैंने अपने हाथ में ले लिया, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, अब भारत सरकार ने ब्लैक फंगस इंजेक्शन का मैनेजमेंट हाथ में ले लिया। ऑक्सीजन के मैनेजमेंट में भारत सरकार फेल हो गई, कुछ राज्यों को ज्यादा दे दी, कुछ राज्यों को कम दे दी। राजस्थान उदाहरण है, हमें ऑक्सीजन दी नहीं, हमें कम दी, ये बात बीजेपी वाले भी मानते हैं। ऐसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें कम दिए, अब कह रहे हैं ऑक्सीजन ले लो तो अब हमारे मरीज कम हो गए, अब तो हमारे पास भी सरप्लस हो गई। लेकिन जिस दिन हमें जरूरत थी उस दिन केंद्र सरकार ने हमको हमारी हिस्से की पूरी ऑक्सीजन नहीं दी, ये बात इतिहास में लिखी जाएगी। और राजस्थान याद रखेगा कि राजस्थान के प्रदेश के बीजेपी के नेताओं ने बहुत बोले लेकिन बोलते ही रहे, बयान भी कमरे में बैठकर बयान देते ना, तो कोरोना के मरीजों में गए, बातें करते रहे लेकिन ऑक्सीजन हमें नहीं दिलवा पाए। इन्होंने खुद ने माना 201 मीट्रिक टन कम मिल रही है। इनकी बड़ी वीसी हुई गवर्नर के साथ, जिसमें इनके नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष जी, उपनेता सब बैठे, उसमें इन्होंने कहा, इनके बयान छपे अखबारों में, मैंने देखा, अब तो मिल ही जाएगी। लेकिन इतिहास याद रखेगा, ये ऑक्सीजन हमको नहीं दिला पाए जिस जरूरत थी। आज तो मरीज कम हो गए, सरप्लस है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट इनके हाथ में, अब ब्लैक फंगस इंजेक्शन का मैनेजमेंट भी भारत सरकार के हाथ में है। और मैं इतना कहूंगा, जो लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान आज मंत्रिमंडल में डिस्कस हुआ है, जो आदमी इंजेक्शन की कालाबाजारी करेगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल बेवजह मरीज और मरीज के परिवार वालों को परेशान करेगा, वो भी सुन लें, जो राशन वाला, जो दुकानदार किसी भी चीज में कालाबाजारी करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है लगातार। यदि कोई भ्रष्ट तरीके से कालाबाजारी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये आपदा की घड़ी है। इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग, ब्लैक करना इंजेक्शन का, दवाइयों का ब्लैक करना, राशन का ब्लैक करना, किसी भी दवाई को दबा लेना, ये पाप है। ये कोई भी करेगा तो राजस्थान की सरकार सख्त कार्रवाई